नमस्ते आप सबको, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। जम्मू आके बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये हम सबकी दूसरी मीटिंग है आफ्टर मिसेज इंडिया, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग इंडिया विन। आपकी ब्लेसिंग्स का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे पेरेंट्स के साथ साथ। थैंक्स अ लॉट। मैम, लास्ट टाइम जब आप आए थे तब मिसेज इंडिया थे, आज मिसेज वर्ल्ड, तो किस तरीके का ये बदलाव है आपके? बदलाव ज़्यादा कुछ आया नहीं है, बस मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब। पहले सिर्फ देश भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, देश भर की औरतों को अगर जागरूक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब ऐसे लगता है कि साथ साथ दुनिया में और जहाँ कोई औरतें हैं उनको जागरूक करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब मेरे शोल्डर्स पे है। बट दैट्स अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील। ये एक ऐसा काम है जो करना मुझे पसंद है, और अगर मुझे लगता है हमारे माता पिता ने जिस तरह से हमको सपोर्ट किया और इस तरह आगे बढ़ाया, उस तरह सबके पेरेंट्स, सबके हस्बैंड्स, सबकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करें, तो इससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जी, सो देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विनिंग एनी ब्यूटी पेजेंट। हमें लगता है कि इट इज़ जस्ट अ पेजेंट, आपको क्राउन मिल जाता है, सैश मिल जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बट इस पॉपुलैरिटी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि दो बहुत मेजर चीज़ों को लेके आई है। जैसे कि जैसे मैं मिसेज इंडिया के टाइम पर सेल्फ डिफेंस फॉर यंग गर्ल्स को प्रमोट करती थी, स्कूल्स में जाके मुंबई के काफ़ी स्कूल्स में जाके हम सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स करते थे, तो वो एक चीज़ थी जो मिसेज इंडिया INC के टाइम पर होती थी और अब वर्ल्ड के टाइम पर भी की जाएगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रग अब्यूज़ के बारे में इंडिया को और वर्ल्ड को जागरूक करना, और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो मिसेज वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड आई एम होपिंग कि इस साल में इस अपने जो भी ये पूरा साल रहेगा 2023 का, इसमें मैं ये जागरूकता फैलाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ प्लान दैट वी आर स्टिल प्लानिंग अबाउट इट। हो सकता है मई या जून में आपको ऐसा कुछ देखने को मिले जहाँ पर मैं जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को ड्रग अब्यूज़ के बारे में जागरूक करने के लिए वापस आना चाहूँगी। सरगम जी, यूजली जो इस तरह के पेगन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके बाद बॉलीवुड की तरफ एंट्री, आपका क्या विचार है इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये एक और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड जो आपको बहुत पॉपुलैरिटी फेम देता है, बट मैं हर बार यही कहती हूँ कि फेम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पॉन्सिबली चूज। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर बॉलीवुड से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आई थिंक राइट नाउ आई फील देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मॉडलिंग में कुछ आगे करने की? ऑफकोर्स मैं मॉडल ही थी जब मैंने शुरू किया था मिसेज इंडिया और मिसेज वर्ल्ड, एंड सो वो कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें जुड़ती जाएंगी जिसके लिए आई एम क्वाइट ओपन। सरगम जी, आपने इंग्लिश लिटरेचर किया जी, एमए की, उसके बाद आप टीचिंग में गए, वो एक टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको मॉडलिंग की दुनिया में ले आया? मॉडलिंग में शुरू से करती थी, टीचिंग के दौरान भी करती थी, बट वो एक पार्ट टाइम चीज़ थी, जो एक हॉबी थी, पर जब मैंने वो हॉबी को डेवलप किया आई रियलाइज्ड कि आई एम गुड एट इट। एंड टीचिंग दो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट आई थिंक मॉडलिंग हमेशा से एक पैशन था जो पेरेंट्स को भी बहुत फैसिनेटिंग लगता था, और वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में कुछ आगे बढ़ के कुछ करूँ। आई थॉट टीचिंग तो कर ही लेंगे कभी भी, मॉडलिंग अभी करके देख लेते हैं हाउ डज इट फील। जी, वो टर्निंग पॉइंट आई थिंक मेरे हस्बैंड की जब मुंबई ट्रांसफ़र हुई तो वही एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि लोग नॉर्मल जॉब्स तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं दे आर इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, कि अब छोटी सी उम्र से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, स्टाइलिस्ट्स बन रहे हैं, एंड दे आर जस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स, और बड़े बड़े इवेंट्स प्लान कर रहे हैं। सो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकती हूँ। उनके लिए यही मैसेज है दैट मैं पहले भी बोलती आई हूँ ये अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में, दैट एक प्लान बी होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है।
मैं जैसे कि एक टीचर थी, मेरे पास वो प्लान भी हमेशा से था, मेरी एजुकेशन, मेरी डिग्रीज, मेरी पढ़ाई और मेरी जो भी तालीम है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है. बट ऑब्वियसली एक स्टेप के बाद आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं.